हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है इजी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पे। और हमने आपके लिए एक सुपर फास्ट रिवीजन जो कि टर्म वन एग्जाम्स के लिए आपके एमसीक्यू रिवीजन होगा का सेशन स्टार्ट किया है, जिसमें मैं आपको एसएसटी के क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन करवाने वाला हूँ। तो आज इसका पहला सेशन है आज इसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस बच्चे ने कितनी पढ़ाई की और कितने आंसर सही दे पाता है। और आंसर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन आ रहा है इस सेशन का। पहला क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट नेशनलिटी ऑफ आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरियो विच विजुलाइज इन द पेंटिंग ए सोसाइटी मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। ऑप्शन ए है जर्मन, ऑप्शन बी है स्विस, स्विस मतलब स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी है फ्रेंच एंड ऑप्शन डी है अमेरिकन। तो कौन सा जो ये फ्रेडरिक सोरियू था, इसकी नेशनलिटी क्या थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्विट्जरलैंड से था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है और ये सेशन से सुपर फास्ट रिवीजन होने वाले हैं। इनमें क्वेश्चन और आंसर ऐसे चलेंगे, ठीक है, और शॉर्ट वीडियो होगी ताकि आपको ज्यादा बोर भी ना होना पड़े और आप आसानी से चलते फिरते उठते बैठते कहीं भी इनको देख के अपना रिवीजन कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इस सेशन का, नेशनलिज्म विच एमर्ज एज ए फोर्स इन द लेट 19th सेंचुरी मीन्स, इसका क्या मीनिंग है? ऑप्शन ए स्ट्रॉन्ग डिवोशन फॉर वंस ओन कंट्री एंड इट्स हिस्ट्री एंड कल्चर, ऑप्शन बी स्ट्रॉन्ग डिवोशन फ्रॉम वंस ओन कंट्री विच अप्रिसिएशन फॉर अदर नेशंस, ऑप्शन सी है स्ट्रॉन्ग लव फॉर वंस ओन कंट्री एंड हार्टेड फॉर अदर्स, एंड ऑप्शन डी है इक्वली स्ट्रॉन्ग डिवोशन फॉर ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्ट्रॉन्ग डिवोशन फॉर वंस ओन कंट्री एंड इट्स हिस्ट्री एंड कल्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द टर्म, इनमें से टर्म मैच करनी है विद द स्टेटमेंट गिवन बिलो। ए यूटोपियन सोसाइटीज, ऑप्शन पॉइंट नंबर वन ए सोसाइटी अंडर बेनवेलेंट मोनार्की, ऑप्शन सॉरी पॉइंट नंबर टू है ए सोसाइटी दैट इज अनलाइकली टू एवर एग्जिस्ट, ऑप्शन पॉइंट नंबर तीन है ए सोसाइटी अंडर द कंट्रोल ऑफ ए चूजन फ्यू वाइज मैन, एंड ऑप्शन नंबर पॉइंट नंबर फोर ए सोसाइटी अंडर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो ऑप्शन नंबर ए है पॉइंट नंबर वन एंड टू, ऑप्शन बी है पॉइंट नंबर टू एंड थ्री, ऑप्शन नंबर सी है पॉइंट नंबर टू ओनली, एंड ऑप्शन नंबर डी है पॉइंट नंबर थ्री। ओ, इसका आंसर साथ में ही है, तो इसका राइट आंसर है पॉइंट नंबर टू एंड थ्री। ठीक है, पॉइंट नंबर टू एंड थ्री इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक आउट द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ टू द डिफाइन टर्म प्लेबिसाइट। ऑप्शन नंबर ए प्लेबिसाइट इज ए डायरेक्ट वोट टू वोट बाय विच वन ओनली द फीमेल मेंबर ऑफ ए रीजन एंड आस्क्ड एक्सेप्ट ए रिजेक्ट ए प्रपोजल। ऑप्शन नंबर बी है प्लेबिसाइट इज ए डायरेक्ट वोट बाय द फीमेल मेंबर ऑफ ए मैरिटल सिस्टम टू एक्सेप्ट ए रिजेक्ट ए प्रपोजल। ऑप्शन नंबर सी है प्लेबिसाइट इज ए डायरेक्ट वोट बाय ओनली ए चूजन फ्यू फ्रॉम द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट ए प्रपोजल, एंड ऑप्शन नंबर डी है प्लेबिसाइट इज ए डायरेक्ट वोट बाय विच मीन्स ऑल द सिटीजन ऑफ ए रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट ए प्रपोजल। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्लेबिसाइट इज ए डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द सिटीजन्स ऑफ ए रीजन आर आस्क टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट ए प्रपोजल। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन उसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नेक्स्ट है अर्नेस्ट रेनर बिलीव्ड दैट एग्जिस्टेंस ऑफ नेशन इज ए नेसेसिटी बिकॉज, किस कारण? ऑप्शन नंबर ए है इट इंश्योर्स प्रोटेक्शन टू ऑल इनहेबिटेंट्स, ऑप्शन नंबर बी है इट इंश्योर लाइब्रेरी लिबर्टी टू ऑल इनहेबिटेंट सिटीजन्स, ऑप्शन नंबर सी इट इंश्योर्स पार्लियामेंट्री फ्रॉम ए गवर्नमेंट टू इट्स इनहेबिटेंट्स, एंड ऑप्शन नंबर डी है
It ensures jobs and good health to all its inhabitants. तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इट इंश्योर लिबर्टी टू द इनहेबिटेंट सिटीजन्स। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड नॉट अटेंड द कांग्रेस ऑफ वियना। इनमें से कौन सी कंट्रीज, कौन से देश थे जिन्होंने कांग्रेस, वियना की कांग्रेस को अटेंड नहीं किया था, उसमें भाग नहीं लिया था, उसमें पार्ट नहीं लिया था? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी रशिया, ऑप्शन सी पर्सिया एंड ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। तो कौन सी कंट्रीज है जिसने भाग नहीं लिया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड ने ऐसा नहीं किया था, वो कांग्रेस ऑफ वियना यानी कि वियना की कांग्रेस में नहीं गए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट ग्रेट रिवोल्यूशन विच गेव द क्लियर आइडिया ऑफ नेशनलिज्म विच इट्स कोर वर्ड लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी वाज। ऑप्शन ए द रशियन रिवोल्यूशन, ऑप्शन बी द फ्रेंच रिवोल्यूशन, ऑप्शन सी द अमेरिकन रिवोल्यूशन एंड ऑप्शन डी इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो कौन सी ऐसी क्रांति थी, कौन सा ऐसा रेवोल्यूशन था जिसमें कि एक नेशनलिज्म का क्लियर आइडिया मिल गया था लोगों को? तो वो था ऑप्शन नंबर बी द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी द फ्रेंच रेवोल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन आर करेक्ट। पॉइंट नंबर वन, आफ्टर द एंड ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन इट वॉज प्रोक्लेम्ड दैट इट वॉज द पीपल हु वुड हेंसफोर्थ कॉन्स्टिट्यूट द नेशन एंड शेप इट डेस्टिनी। पॉइंट नंबर टू, फ्रेंच विल हैव ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एंड द न्यू रिपब्लिक विल हेडेड बाय ए मेंबर ऑफ रॉयल फैमिली। पॉइंट नंबर थ्री, ए सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम विल बी पुट इन प्लेस द फॉर्मुलेट यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन्स। एंड पॉइंट नंबर फोर है, इम्पोजिशन ऑफ इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन फ्रांस। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा पॉइंट नंबर वन एंड पॉइंट नंबर थ्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। पॉइंट नंबर वन, आफ्टर द एंड ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन इट वॉज प्रोक्लेम्ड दैट इट वॉज द पीपल हु वुड हेंसफोर्थ कॉन्स्टिट्यूट द नेशन एंड शेप इट डेस्टिनी। एंड पॉइंट नंबर थ्री, ऐसे ए सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम विल बी पुट इन प्लेस टू फॉर्मुलेट यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज डिक्लेयर दैट द मिशन एंड डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन वाज। ऑप्शन ए टू कॉन्क्यूर द पीपल ऑफ यूरोप, ऑप्शन बी द टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म, ऑप्शन नंबर सी टू स्ट्रेंथन एब्सोल्यूट मोनार्की इन ऑल द कंट्रीज ऑफ यूरोप, एंड ऑप्शन नंबर डी टू प्रोपोगेट द आइडियल of liberty, equality and fraternity in every part of the world। कौन सा होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा the French revolutionaries declare that the mission and destiny of the French nation was to liberate the people of Europe from despotism। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी सामने ये रहा, क्वेश्चन है द सिविल कोड ऑफ 1804, ठीक है, द सिविल कोड ऑफ 1804 इज फ्रेंच इन फ्रांस इज यूजुअली नोन एज। 1804 का जो सिविल कोड आया था वो किस नाम से जाना जाता था? द सिविल कोड ऑफ 1804 इज फ्रांस इज यूजुअली नोन एज। ऑप्शन नंबर ए द फ्रांस रेवोल्यूशनरी कोड, ऑप्शन नंबर बी नेपोलियन कोड, ऑप्शन नंबर सी यूरोपियन इंपीरियल कोड एंड ऑप्शन नंबर डी द फ्रेंच सिविल कोड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1804 में नेपोलियन का कोड आया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी नेपोलियन कोड। ठीक है, तो ये था, ये अपना पहला सेशन था।
और ऐसे ही आपको डेली को सेशन मिलेंगे, अब ऐसे ही सार सेशन मिलेंगे थोड़े थोड़े क्वेश्चन के साथ, ताकि आप कहीं भी चलते फिरते उठते बैठते इन क्वेश्चनों का रिवीजन कर सकें, ताकि आपको एग्जाम में कोई किसी प्रकार की परेशानी ना हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना ऐसे ही अच्छे अच्छे सेशंस के लिए। तब तक मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी बच्चे पढ़ते रहना, क्योंकि आपके एग्जाम आ चुके हैं, ठीक है? तो अभी पढ़ाई का टाइम है, पढ़ते रहना। बाय बाय।